अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कोई भी राज्य सरकारें स्टेटस जो मिलता था पहले राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का, वो नहीं मिल सकता है, पर्स नहीं मिल सकते हैं, तनख्वाह नहीं मिल सकती है, उनको आप घटा दो। आप पहले पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाओ, चाहे आप एडवाइजर बनाओ, कौन आपको रोकेगा, सिंपल बात है। सीएम अशोक गहलोत की सफाई की वजह है हाल ही में कैबिनेट विस्तार के बाद नियुक्त किए गए सलाहकार। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने सलाहकारों में 6 विधायकों को जगह दी थी। सीएम के सलाहकारों की नियुक्ति वैसे किसी अवैध तरीके से नहीं हुई, मगर सीएम के 6 सलाहकारों में से एक सलाहकार ने गहलोत की मुश्किल बढ़ा दी है। तो पहले सीएम गहलोत की इस मुश्किल की वजह जान लीजिए। लाल बत्ती की गाड़ी, बैनर में सीएम के सलाहकार का नाम के नीचे ब्रैकेट में कैबिनेट मंत्री। वैसे गाड़ी पर लाल बत्ती को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने सीएम साहब के सलाहकार बने दानिश अबरार जी से पूछा, तो देखिए कैसे उन्होंने उस गाड़ी से ही अपना पल्ला झाड़ लिया। मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, DL4CR 0007, कोई बत्ती हो तो फोटो खींच लेना। उसी जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं ना, वो आपके माता जी के नाम पे है, उस पे बत्ती लग रही है, उसका इंश्योरेंस 20 सितंबर 2020 को खत्म हो चुका है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी गाड़ी DL4CR 0007 जिसमें मैं खुद बैठ के आया हूँ, आप उसका सब जांच कर लेना। 0002 आपकी मम्मी के नाम है, मैंने मेरी गाड़ी का बता दिया। खैर चलिए, इसे जाने भी दे तो इस पोस्टर पर दानिश अबरार जी अपनी क्या सफाई पेश करेंगे, जिसमें बड़े बड़े और साफ शब्दों में उनके कैबिनेट मंत्री होने का बखान है। और यहाँ पर खुद दानिश अबरार जी अपने उसी पोस्टर के सामने खड़े हैं। अब यहाँ तो यही लगता है कि सीएम के सलाहकार ही सीएम के बयान नहीं सुनते, वरना उनको मुख्यमंत्री का 28 नवंबर को दिया ये ज्ञान जरूर पता होता, जिसका ठीकरा सीएम साहब मीडिया पर मर रहे थे। हमने आदेश निकाल दिया गलती से, तो मीडिया का हक है कि उसको आप एक्सपोज करते पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। जब हमने कोई आदेश निकाले ही नहीं है, आदेश निकाले वैसे निकाले जिससे कि तकलीफ नहीं हो, और आप मान लो कोई जिले में जाते हो मीडिया वाले, चाहे दिल्ली का मीडिया है, चाहे जयपुर में मीडिया जाए, बीकानेर में जाए, चाहे धौलपुर में जाए, पता करने के लिए भी वहाँ क्या स्थिति, अकाल सूखे की क्या स्थिति है, या वहाँ पर सरकारी योजना चल रही थी क्या स्कीम स्थिति चल रही है। आप अगर वहाँ जाकर पूछो SDO को, तहसीलदार को, सरपंच को, कलेक्टर से बात करो, भाई मैं हम लोग आए डेलीगेशन, हमारा मीडिया डेलीगेशन है, आपके यहाँ सरकारी योजना ये फला 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 का क्या हो रहा है, तो आपका हक नहीं है क्या? तो अगर मान लो मेरे एडवाइजर जाके पूछेंगे कि भाई सरकारी योजनाएं का लाभ मिला कि नहीं मिला आपको, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको, वो फीडबैक लेके आएंगे और मुख्यमंत्री को एडवाइज करेंगे, साहब देखो ये हमारा फीडबैक है, इसमें क्या अंतर हो सकता है किसी को? ऐसा माहौल बना देते, पता नहीं हमने बहुत भारी जुल्म कर दिया हो, पता नहीं क्या कर दिया हो। सीएम के सलाहकार के पद से नवाजे गए सवाई माधोपुर से विधायक दानिश अबरार जी कांग्रेस के टिकट पर 2018 में चुनाव जीतकर विधायक बने। दानिश जी को सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। कहा जाता है सचिन पायलट की बगावत के वक्त दानिश अबरार भी उनके साथ दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन शाम होते होते वो गहलोत गुट में वापस आ गए। और इस बार सीएम गहलोत ने उनके उसी वफादारी का तोहफा देते हुए उन्हें अपने सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। माना जाता है कि सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार में अपने जिन खास लोगों को शामिल नहीं कर सके, उनको उन्होंने सलाहकार और राजनीतिक नियुक्ति के पदों पर आसीन कर दिया। अब सीएम साहब ने उन्हें उनकी वफादारी का इनाम तो दे दिया, तो लगे हाथ सीएम साहब को अपने सलाहकारों को ये भी वर्णन कर देना चाहिए था जो वो मीडिया के सामने बखान कर रहे थे। राजस्थान तक के लिए सवाईमाधोपुर से सुनील जोशी की रिपोर्ट।